जादुई पीला घोड़ा। महाराष्ट्र के पास एक गांव में राजेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। राजेश खेती करके अपने घर का गुजारा किया करता था, मगर इससे उनका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। सुनो जी, आप कोई और काम देख लो, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे मेरे लिए कोई काम ढूंढने को कहूंगा, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही नामी आदमी था, वो घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता कराया करता था। और भाई सुमित, कैसे हो? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद मिले हो भाई। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो, घर में सब ठीक? बस क्या ही बताऊं भाई, तुम्हें तो पता है कि खेती करके ज्यादा कमाई नहीं होती। मुझे कुछ काम बता दो जिससे मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा खरीद लो और घोड़े की रेस की प्रतियोगिता में भाग लो। हम हर महीने प्रतियोगिता कराते हैं, तुम्हें पता है जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा, 5 लाख का इनाम? इतना तो मैं पूरे साल में नहीं कमा पाता। हाँ तो तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और प्रतियोगिता की तैयारी करो। राजेश फिर अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो रानी को सारी बातें बताता है। रानी को भी बात अच्छी लगी थी। गांव के पास में एक मेला लगा है, जहाँ पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहाँ काफी घोड़े देखता है, मगर उसे कोई अच्छा घोड़ा नहीं दिखता। तभी आखिर में उसे एक पीले रंग का घोड़ा दिखा और देखते ही उसने मन बना लिया कि वो ये घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे यही घोड़ा खरीदना चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले जाता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े को टीका लगाती है, तभी वो घोड़ा बोलता है, मेरे मालिक की जय हो। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बोल सकते हो, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे मालिक हो, और कभी मुझे गिरने या मुझे कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा घाव अपने आप भर जाएगा और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजेश अपनी जादुई पीले घोड़े को लेकर प्रतियोगिता में पहुंच जाता है, और जैसे ही घोड़ों की रेस शुरू होती है, राजेश अपने जादुई पीले घोड़े को दौड़ने को कहता है। राजेश की आवाज़ सुनते ही जादुई पीला घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है कि सब घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही रेस जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर ऐसा हर बार होने लगा। जब भी घोड़ों की रेस होती, जादुई पीला घोड़ा हमेशा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश जादुई पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों ही बहुत खुश थे। हमारे घर में जब से ये जादुई पीला घोड़ा आया है, हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है, और मुझे तो लगता है ये घोड़ा भगवान ने हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह भेजा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बबलू नाम का एक आदमी जो हमेशा घोड़ों की रेस जीता करता था, वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से रेस हारने लगा था। तब से वो राजेश से चिढ़ने लगा। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मेरे से ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू मन ही मन उसे हराने के लिए तरकीब ढूंढता रहता था। तभी वो एक बार सोचता है, क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं? अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो रेस में भाग कैसे लेगा। प्रतियोगिता के एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चुपके से आ जाता है और एक डंडे से जादुई पीले घोड़े की टांग पर जोर जोर से मारता है। घोड़े की टांग से खून बहने लगा था, लेकिन फिर जादुई पीले घोड़े का घाव अपने आप भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है।
अरे ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया? इतने में वो कुछ समझ पाता तभी जादुई पीला घोड़ा अपनी टांग उठाकर बबलू की टांग पर जोरों से लात मारता है और बबलू की खुद की टांग टूट जाती है। इस तरह वो खुद ही प्रतियोगिता में नहीं जा पाता। इसीलिए कहते हैं जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा होता है। दूर देश में भोज सिंह नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बस एक ही दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा की 3 लड़कियां थीं, अगोरी, शक्ति और सरस्वती। तीनों जवान हो चुकी थीं और विवाह के लिए जिद कर रही थीं। पिताजी, मैं 25 वर्ष की हो चुकी हूँ, मेरा विवाह कीजिए और राज्य मेरे पति के नाम कीजिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गोरी और सुंदर हूँ। पिताजी, राज्य इसे नहीं मिलना चाहिए, राज्य मेरे पति को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ और अपने ही जैसे किसी ताकतवर लड़के से शादी करूँगी। पिताजी, मैं श्यामली और बुद्धिमान हूँ, मैं अपने ही जैसे किसी लड़के का चुनाव करूँगी। आप चाहें तो राज्य मेरे नाम कर सकते हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों का विवाह करने के बाद राज्य किसके पति को सौंपा जाए। वह अपनी समस्या लेकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने राजा को 3 घोड़े दिए और राजा के कान में कुछ कहा। राजा उन घोड़ों को लेकर अपनी बेटियों के पास पहुंचा। ये 3 जादुई घोड़े हैं, इन्हें लेकर राज्य में या राज्य के बाहर घूमने जाओ और अपने जीवन साथी को चुनो। जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुनेगा उसका घोड़ा उड़ने लगेगा। जिसका घोड़ा उड़ने लगेगा मैं राज उसे ही सौंप दूंगा। तीनों लड़कियां अपने अपने घोड़े पर बैठकर जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। कहते हैं मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। पहली लड़की जो गोरी और घमंडी थी, उसने पड़ोस के राज्य जाकर अपने जैसा ही गोरा और घमंडी लड़का खोज लिया। मैं सिंध राज्य का राजकुमार, सबसे गोरा और सुंदर, लोग मानते हैं मेरा कहना, वरना मैं लगाता हूँ कोड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया है और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी ने तीनों को एक एक जादुई घोड़ा देकर कहा था कि जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी का चुनाव करेगा उसका घोड़ा उड़ने लगेगा और राज्य उसे ही दिया जाएगा। मैंने तुम्हें चुन तो लिया है, लेकिन ना ही घोड़े के पर निकले हैं और ना ही वो उड़ रहा है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। मेरे राज्य में एक बड़े बड़े पक्षी पालने वाला रहता है, उसी के पास चलना चाहिए। उधर दूसरी लड़की शक्ति ने अपने ही जैसे एक ताकतवर लड़के को चुना। मैं आरपुर राज्य का राजकुमार, दुनिया में सबसे ताकतवर, कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला, सबकी बना देता हूँ चटनी। शक्ति अपने ताकतवर साथी को पिता द्वारा कही गई सारी बात बताती है। मैंने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन मेरा घोड़ा उड़ तो नहीं रहा है। राज्य हासिल करने का मेरे पास एक और रास्ता है, मैं तुम्हारी दोनों बहनों को मार दूंगा। यदि उन्होंने अपने जीवन साथियों को चुन लिया होगा तो उन्हें भी मार दूंगा। तीसरी लड़की सरस्वती ने एक गरीब लेकिन दयालु और बुद्धिमान लड़के को चुना। उसने अपने पिता द्वारा कही गई बात लड़के को बताई। देखो, मुझे राज्य का लालच नहीं है, मैं तुमसे प्रेम कर बैठा, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हम तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं, अगर घोड़े को उड़ना होगा तो रास्ते में हो सकता है उड़ जाए, अगर नहीं उड़ा तो जैसी तुम्हारे पिताजी की मर्जी। तीनों लड़कियां अपने अपने जीवन साथियों के साथ अपने घर की तरफ लौटने लगी। शक्ति का जीवन साथी जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, अगोरी
और उसके साथ के लड़के पर हमला करने पहुंचा। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ बचाओ। राजा के सैनिक आकर शक्ति और उसके जीवन साथी को पकड़ लेते हैं और उन्हें राजा के सामने पेश करते हैं। शक्ति, तुम राज्य पाने की प्रतियोगिता से बाहर हो। तुमने गलत जीवन साथी का चुनाव किया। अगोरी, अब तुम बताओ। पिताजी, मैंने सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुन लिया है। मेरा घोड़ा उड़ने लगा है। अच्छा, लेकिन घोड़ा है कहाँ पर? वो घोड़े को रास्ते में छुआछूत की बीमारी हो गई थी, इसीलिए कल सुबह आप उसे दूर से उड़ता हुआ देख सकेंगे। अगोरी के साथ वाले लड़के ने एक पक्षी पालन करने वाले से कुछ फालतू चील उधार ले ली थी। उसकी योजना थी कि चील रस्सी से घोड़े को उठाएंगी और हवा में उड़ाएंगी। दूर से देखने के कारण राजा को रस्सियां दिखाई नहीं देंगी और घोड़ा उड़ता हुआ नजर आएगा। सुबह राजा उड़ते घोड़े को देखने पहुंच गए। वो देखिए पिताजी, घोड़ा उड़ रहा है। कुछ देर तो चील घोड़े का वजन उठा पाई, लेकिन फिर वे थक गईं और घोड़ा नीचे नदी में जा गिरा। अच्छा दिमाग लगाया गोरी, लेकिन जिंदगी में चालाकियां काम नहीं आती। अब तुम बताओ सरस्वती। पिताजी, मैंने अपने मन के जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ पाया। घोड़ा उड़ने की बात तो मैंने ऐसे ही कह दी थी। भला कोई घोड़ा आज तक उड़ पाया है? लेकिन इसी बहाने मैंने देख लिया, तुम सबसे सच्ची और ईमानदार हो। तुमने अपने ही जैसे जीवन साथी को चुना है। तुम दोनों ही राज्य के असली हकदार हो।